दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर चैप्टर इज 8 एंड टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। अब तक आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन किए, एडिशंस किए हैं, कैरी वाले और विदाउट कैरी वाले सारे किए ना। आज आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपके चैप्टर 8 में है और चैप्टर 8 में हम एग्जाम्पल्स उसमें और भी दिए हैं, उसको आप रीड करिए घर पे और देखिए किस तरह से करते हैं। और ये आज हम करेंगे पेज नंबर 97 एंड 98। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है रिपीटेड बाय एडिशन। ओके, जब कोई चीज को हम ऐड करते जाते हैं वो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन, उसको हम कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हमें खाना है, कोई खाने का आइटम रखा है, उसको हम टू 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 करके ऐड करते जाएं तो हमारा होता है रिपीटेड बाय एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू डू दिस सम्स। ओके, नाउ लुक एट दी बोर्ड एवरीवन। देखिए, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर दिया है राइट द फॉलोइंग एज मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट्स। ओके, तो उसमें आपके मेरे आप उसमें देखिए कुछ स्टार्स बने हैं, लीव्स बनी है, फ्लावर बना है और पेन पेंसिल बनी हुई है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल उसका लिया है, उसमें बनी है आपकी ये लीव्स। ओके, अब यहाँ ये लीव्स बना दी है और ये लीव्स कितनी कितनी है आप पहले देख सकते हैं। देखिए 3 3 3 3, राइट। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए 3 3, अब इसको एडिशन ही तो करना है ना हमें, तो किस टाइप से एडिशन करेंगे? यहाँ देखिए कितने टाइम से बोले, देखिए 3 × 1 2 3 4 टाइम्स हमने 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + लिखा है ना। तो आप यहां लिखेंगे 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 3 × 4। ओके, ऐसे लिख दिया आपने। तो ये तो आपको उस टाइप से आपको करते चले जाना है कि उसमें क्वेश्चंस लिखा होगा, इसमें आपको एडिशन करके नहीं बताया। वैसे आप एडिशन का इसका आंसर्स निकालेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ जाएगा कि जैसे 3 4 की टेबल आप 3 बार रीड कर लीजिए या 3 की टेबल 4 टाइम्स रीड कर लीजिए तो कितनी लीव्स हो जाएगी। देख लीजिए 3 + 3 6 और 6 + 3 9 और 9 + 3 12, हो गया ना। 4 × 3 = 12 या 3 × 4 = 12, तो हमारी कितनी लीव्स है? 12 लीव्स है। अंडरस्टैंड? आपके इसमें क्वेश्चंस का हमें आंसर्स लिखने के लिए नहीं दिया है, मगर हम आपको बता देते हैं इसको आप आंसर लिख सकते हैं। 3 × 4 × 3 = 12, तो हमारी ये कितनी है? 12 लीव्स है। अंडरस्टैंड? इसके लिए बच्चों आप लोग को टेबल लर्न करना कंपलसरी है। और आप लोगों ने आई थिंक ये फर्स्ट क्लास में आप देख रहे हैं, प्रेप क्लास में आप लोगों ने ये मल्टीप्लाइकेशन नहीं सीखी थी, राइट। तो अब आप लोग को इसको देखना है कि कैसे हमें मल्टीप्लाइकेशन करना होता है। मल्टीप्लाइकेशन मीन्स अभी मैंने बताया ना, रिपीटेड बाई एडिशन। ओके, अब देखिए उसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग वंस हैज बीन। अब आप देखिए वहां पर दिया कंप्लीट द फॉलोइंग, मीन्स आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे दे दिया है, वहां इस तरीके से आपके क्वेश्चन मेंशन है, तो उसको आपको क्या करना है? देखिए 7 + 7 + 7 + है ना, 7 + यहां पर प्लस, देखिए 7 + 7 + 7 + 7 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 7 को लिखा है। कितने टाइम्स? 5 टाइम। तो आप क्या करेंगे, पहले यहां पर आप लिख देंगे म्यू 7 को पहले लिखिए, क्योंकि 7 को लिखा है हमने, तो 7 और कितने टाइम्स लिखा है? 1 2 3 4 5 × 5। ओके, अब किया। अब इसमें आपको आंसर्स आपका बताना है, 5 की टेबल आपको 7 बार रीड करनी है या 7 की टेबल आपको 5 टाइम्स रीड करनी है। दोनों साइड से आप टेबल लर्न करेंगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। एंड 5 × 7 = 35। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है 35, 5 × 7 = 35। ओके, तो आपका आंसर कितना आया? 35। इस टाइप से आपको बाकी के क्वेश्चंस सब डिपेंड करना है। ओके, ये बहुत इजी है बच्चों, अगर आपको टेबल लर्न है
तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आपको टेबल लर्न नहीं होगा तो आप कंफ्यूज भी होंगे और गलतियां भी होंगी, मिस्टेक्स करते जाएंगे आप। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 98 में। पेज नंबर 98 में है काउंट एंड राइट हाउ मेनी इन ऑल। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है क्योंकि आपकी नेक्स्ट पेज पे है, 98 पेज पे, उसमें लिखा है टू सेट्स ऑफ 4। मीन्स देखिए मैंने यहाँ पर बॉल बनाई हुई है। ओके, तो ये बॉल बनाई है। अब आपने देख रहे होंगे कि मैंने टू सेट बनाए हैं, 4-4 के टू सेट, कितने कितने के, 4-4 के। ओके, अब ये कितने हैं देखिए, लेट्स काउंट कितनी बॉल्स है, हाउ मेनी बॉल्स इज देयर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बॉल्स हैं, मैंने यहाँ 8 लिख दिया है। ओके, अब देखिए इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 सेट है ना ये, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 बॉल्स बनाई है मैंने, एक एक बॉक्स में 4 है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 4 की टेबल आप 2 टाइम्स रीड करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका यहाँ आंसर आया 8। मीन्स 4 बॉल्स इन ऑल, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 8 बॉल्स। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इसको आपको अपनी बुक में सेल्फ डिपेंड करना है, मम्मी की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए न्यू है, और भी आगे आगे जब हम इसका रिविजन पैटर्न लेंगे तो आपको हम और भी इजी वे में इसको मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये तो आपकी बुक की एक्टिविटी, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग आपको इसको कम्प्लीट करना है। इसके लिए मैं आपको और भी इजी मेथड बताएंगे कि किस तरीके से इसको आप मल्टीप्लाइकेशन करना है, बट आपको टेबल लर्न करनी है। ओके, अगर आप टेबल लर्न नहीं करेंगे तो आप मल्टीप्लाइकेशन नहीं कर पाएंगे, डिवाइडेशन नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एवरीवन लर्न टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।